बड़ी खबर बुरहानपुर से आपको बता देते हैं। बुरहानपुर के नेपा नगर के प्राचीन किले पर तेंदुआ दिखाई दिया है। तेंदुआ दिखने से पर्यटकों और ग्रामीणों में कलकंप मचा हुआ है। पर्यटकों ने तेंदुए का वीडियो भी बनाया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त नेपा नगर से आप तक पहुंचा रखे हैं, जहां तेंदुए के दिखाई देने के बाद अब स्थानीय लोगों और पर्यटकों में काफी कलकंप की स्थिति देखने को मिल रही है। बुरहानपुर के नेपा नगर का ये मामला है, जहां तेंदुआ दिखाई दिया है, जिसके बाद जो पर्यटक थे वहां पर उन्होंने इस तेंदुए का वीडियो भी अपने कैमरे में कैद किया है। और साथ ही साथ इस तेंदुए के दिखाई देने के बाद स्थानीय स्तर पर ग्रामीण और पर्यटक भी काफी दहशत में नजर आ रहे हैं। वन विभाग को इसके लिए सूचित कर दिया गया है, लेकिन अचानक वहां तेंदुए का दिखाई देना अब कई तरह की परिस्थितियों को निर्मित कर रहा है। कहीं किसी तरह की अप्रिय स्थिति न निर्मित हो, इसको लेकर भी अब सजगता सतर्कता बरती जा रही है। इस वक्त हमारे सहयोगी रविंद्र हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र, क्या ताजा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? जी, आपको बता दूं कि बुरहानपुर जिले के से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है हसीगढ़ का प्राचीन किला, जहां पर पर्यटक लोगों की संख्या बड़ी तादाद में रहा करती है। यहां पर आज सुबह के समय तेंदुआ देखा गया जो दीवारों पर कूद रहा था, और वहां पर पर्यटकों ने इस तेंदुए का जो है वीडियो भी बनाया है और पुरातत्व अधिकारी को सूचना दी गई, जिसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई है। वन विभाग का अमला आ करके यहाँ पर पंचनामा बनाया है। पुरातत्व अधिकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि यहाँ जो है पानी कमी, पानी को ढूंढने के ढूंढते तेंदुआ किले तक पहुंचा है, पानी की तलाश में आया था। यहाँ पर तेंदुआ देखे जाने के बाद यहाँ आसपास के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। पर्यटक लोग आते हैं यहाँ पे तो निश्चित रूप से उनमें भय का वातावरण निर्मित हुआ है। देखना है कि आगे वन्यजीव तो कई तरह के हैं। असरगढ़ में अश्वत्थामा के दिखाई देने की भी बातें निकलकर पहले सामने आया करती थी, लेकिन एक बात ये भी कहते हैं कि वहाँ मंदिर में तो रोज रात को अब वन्य जीव पहुँचते हैं, लेकिन आज दिन में इस तरह से तेंदुए का दिखाई देना यही वजह है हड़कंप की कोई और भी वजह? आपने बिल्कुल सही कहा कि असरगढ़ का किले पर जो महाभारत कालीन अश्वत्थामा जी है वो पूजा करने के लिए आते हैं। सबसे पहले पूजा करते हैं, उनका पुष्प जो है देखा जाता है, ताजे पुष्प चढ़े हुए सुबह सुबह जो मंदिर खुलता है। आज की घटना को लेकर के कहा जा सकता है कि ये जो जंगली प्राणी है और किले पे चढ़ने के रास्ते खुले हुए हैं, तो निश्चित है कि वहाँ से और किले पे पानी की व्यवस्था है, वहाँ तालाब है, अभी भी उनमें पानी भरा रहता है, तो पानी पीने के लिए जो है तेंदुआ यहाँ आया है, ऐसा पुरातत्व अधिकारी भी कह रहे हैं, और कोई विशेष कारण नहीं बताया जा रहा है। जी, अभी वन विभाग ने इस पूरे मसले को लेकर कोई एक्शन लिया है क्या? इस तेंदुए को जंगल की तरफ खदेड़ने की कोई कोशिश हो पा रही है या पता ये चला गया? जी, आपको बता दूं कि यहाँ पे वन विभाग का अमला वहाँ पहुंचा था और चारों तरफ से नाकेबंदी की गई है। वहाँ पे नीचे किले के नीचे की ओर पिंजरे भी लगाए गए हैं, पंचनामा वगैरह बनाया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है नियमों साहब के आदेशानुसार। यहाँ पर अब देखना है कि तेंदुआ पकड़ में आता है या नहीं आ पाता है। अभी पर्यटकों को जाने से रोका गया है? नहीं, पर्यटकों का आवागमन सुचारू रूप से जारी है, क्योंकि वहाँ पे गार्ड वगैरह रहते हैं, तो पर्यटकों का आवागमन यथावत बना हुआ है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये हमारे सहयोगी रविंद्र जिस तरह से बता रखे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर अब वन विभाग एक्टिव नजर आ रहा है और हर सिचुएशन पर नजर वन विभाग की है। कोशिश की जा रही है कि इस तेंदुए को या तो पकड़ लिया जाए या फिर जंगल की तरफ इसे खदेड़ दिया जाए, लेकिन अभी जो जानकारी है वो ये बताई जा रही है कि तेंदुआ यहाँ से मूव कर चुका है। पर्यटकों का आना जाना भी अब यहाँ पर सुचारू रूप से चालू है।